हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम एक नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है 100 डेज 100 ऑटोकैड एक्सरसाइज। यानी इस सीरीज में हम ऑटोकैड को कवर करेंगे, जिसमें हम ऑटोकैड के डिफरेंट कमांड्स को बहुत ही इजी वे में कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइजेस। क्योंकि एक्सरसाइज के हेल्प से जितने ऑटोकैड को आप बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, वो और कोई तरीका नहीं हो सकता। तो चलिए इस सीरीज को शुरुआत करते हैं। आशा करता हूँ आप हमारी सारी की सारी सीरीज को प्रॉपरली देखेंगे, जिससे हमें और भी मोटिवेशन मिले और नई वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अपनी क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच। तो आज हम अपने इस ब्लॉक डायग्राम को कंप्लीट करेंगे, जो कि इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो रहेगा। आगे की सारी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना ऑटोकैड ओपन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कोई भी न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए सिंपल न्यू पे क्लिक करेंगे और शॉर्टकट है कंट्रोल एन, जिसके बाद आप टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे acad.dwt और सिंपल ओपन पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट, हमें उस इमेज फाइल को अटैच करना है, इसमें लेके आना है जिसकी हमें ड्राइंग बनानी है। तो सबसे पहले कमांड है कि IMA एंटर, और इसको हम व्यू लार्ज आइकन्स पर कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारा ये है ब्लॉक डायग्राम, इसको सिंपल सेलेक्ट करेंगे एंड ओपन पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, फिर ये पूछता है हमें पार्ट टाइप पूछेगा, स्केलिंग पूछेगा। तो हमने सब चीज़ें ऑन स्क्रीन रख रखी है कि जिससे हम जहाँ भी हमें करना है वहाँ कर सकते हैं। स्केलिंग हम 1:0 रखेंगे, या अपने अकॉर्डिंग जितना भी सेट करना है आप उतना रख सकते हैं। सिंपल से ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे, एक माउस कर्सर पे हमारा एक बार जनरेट हो जाएगा, सिंपल जहाँ भी रखना है उसे वहाँ क्लिक कर देंगे। ठीक है, और एक स्केलिंग हमने 1:1 रखी थी, इसलिए इसका स्केलिंग सेम आ गया। ठीक है, जैसे जूम इन करके आप इसके सेटिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें यूनिट सेटिंग करेंगे। कमांड है उसके लिए UN एंटर। यूनिट एंटर करने के लिए हमें इस डायग्राम में देखिए पॉइंट के बाद एक वैल्यू ही चाहिए। तो हमें अपना प्रिसिशन हम 0.0 सेट कर लेंगे, और हमारी सारी डायमेंशन mm में है। तो सिंपल यहाँ से हम डायग्राम को अपने mm में कन्वर्ट कर लेंगे। लाइटिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं हमेशा, और एंगल डेसिमल डिग्री, प्रिसिशन 0। सिंपल यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे, आपका यूनिट सेटिंग हो जाएगी। नेक्स्ट सेटिंग जो हमें एक्टिवेट करनी है वो है ड्राफ्टिंग सेटिंग, DS एंटर। DS एंटर करने के बाद हम जाएंगे ऑब्जेक्ट स्नैप में। यहाँ हम बस चेक करेंगे कि ये सारी चीज़ें चेक है कि नहीं। अगर कोई भी चीज़ अनचेक है तो सिंपल से सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, और इसको चेक अनचेक है तो इसको चेक करेंगे एंड ओके पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से हम कोई भी ड्राइंग जब स्टार्ट करेंगे तो पहले ये दो मेजर काम करेंगे, जिसमें हम ड्राफ्टिंग सेटिंग एंड यूनिट सेटिंग दोनों करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम अपने सेशन पे चलते हैं। सेशन के लिए हम सिंपल, जैसे मैं ऑलरेडी फाइल मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर रखी है अदर, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक ड्राइंग बना रखी, सेम ड्राइंग क्रिएट कर रखी है, जिससे चीज़ें क्लियर हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए, हमें एक लाइन क्रिएट करनी पड़ेगी जो कि एक सेंटर लाइन है बेसिकली। तो सिंपल हम एक लाइन क्रिएट करते हैं, एल एंटर। कमांड है कि एल एंटर स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट एंड स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट। अगर ये आपका स्ट्रेट नहीं है, अगर आपका ये स्ट्रेट नहीं है तो इसको हम स्ट्रेट करने के लिए ऑर्थो मोड F8 प्रेस करेंगे, जिससे हमारी लाइन स्ट्रेट हो जाएगी। सिंपल हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, और एक्सट्रेट करना है पकड़ के आप यहाँ से स्ट्रेच कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि हमारा 27.5 का रहेगा। तो कमांड रहेगी सर्कल के लिए C एंटर स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट एंड स्पेसिफाई योर रेडियस। तो रेडियस हमारा है 27.5 एंटर, ये हमारा बन गया। नेक्स्ट हमें सर्कल बनाना है 45 का, तो फिर से कमांड करेंगे C एंटर। अब इस बार हमें इसके सेंटर पे ही सेम सर्कल क्रिएट करना है। तो जैसे हम माउस को इस सर्कल पे थोड़ा सा ट्रेस करेंगे तो आपको देखिए एक सेंटर लाइन, सेंटर पॉइंट जनरेट होते दिख जाएगा। आपने बस उस पर जस्ट क्लिक करना है। अभी देखिए मिड पॉइंट पकड़ना है, थोड़ा मैं जूम करूँगा तब भी ये मिड पॉइंट ही पकड़ रहा है। ठीक है, तो एग्जैक्ट सेंटर को पकड़ने के लिए सिंपल कमांड है CEN एंटर। अब सर्कल को ट्रेस करिए, देखिए आप ग्रीन में एक सर्कल दिख जाएगा, ग्रीन कलर का एक सर्कल दिखेगा,
और हमें एच पे इसके सर्कल पे लाइंस पे क्लिक करना है। ये देखिए उसको सेम सेंटर पकड़ लिया इसने, तो हमें नेक्स्ट बनाना 45 एंटर। ओके नेक्स्ट हमें क्रिएट करना है ये पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन्स आप देख रहे हैं यहाँ पे 30 डिग्री पे है, तो एल एंटर, हम अपने डिग्री कमांड पे जाएंगे, यहाँ पे हम अपना 30 डिग्री ऑन कर देंगे और इस पे जस्ट क्लिक करेंगे जिससे हमारा ये एंगल ऑन हो जाए। सेम सेंटर पॉइंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम 60 डिग्री बना लेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर 60 बनाएंगे तो हमारा ये 30 हमें मिल जाएगा। 60 पे सिंपल जितना भी चाहिए हमें, हमें यहाँ 60 चाहिए, 60 एंटर, ये हमारा बन गया। ओके देन इसके एज पे देखिए रेडियस 10 लिखा है, सी एंटर, फर्स्ट पॉइंट सी एंटर, एंड पॉइंट एंड 10 रेडियस, 10 एंटर, फिर सेम सी एंटर, एंड पॉइंट एंड 18 एंटर। ओके नेक्स्ट ये लाइन इसके पैरेलल है अलोंग, तो ऑफसेट करेंगे, यहाँ पे हमारा रेडियस 18 है तो मतलब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस रहेगी वो 18 की, तो ऑफसेट हम 18 का करेंगे, तो 1 8 एंटर, स्पेसिफाई लाइन एंड स्पेसिफाई योर डायरेक्शन, इस तरीके से ये रहा जाएगा। नहीं इसको हम ट्रिम कर देंगे, ट्री आर एंटर एंटर, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन। देन यहाँ पे देखिए रेडियस हमें दे रखा 5 का रेडियस दे रखा, तो हम यहाँ थोड़ा जूम करेंगे और हमें जब दो लाइंस पे टेंजेंसली हमें अगर सर्कल ड्रॉ करना होता है तो उसके लिए जो कमांड रहती है सी एंटर, टी आर एंटर, देन फर्स्ट टेंजेंट लाइन, सेकेंड टेंजेंट लाइन एंड स्पेसिफाई योर रेडियस, जिसका रेडियस हमें 5 दिया गया था, तो 5 एंटर। ठीक है इस तरीके से बन जाएगा। नेक्स्ट इसको हम ट्रिम करेंगे, टी आर एंटर एंटर, इसको यहाँ से हमने ट्रिम कर दिया और इस एच को भी हमने यहाँ से ट्रिम कर दिया और इसकी ज़रूरत नहीं हमें, तो यहाँ से भी इसको ट्रिम कर देंगे। ओके नेक्स्ट हम इसको मिरर करेंगे, तो मिरर के लिए एम आई एंटर और वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो जिसको हमें मिरर करना, तो हमने सेलेक्ट किया फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट, इसको भी करना है और हमें इसे भी करना है, तो इसे कर लिया एंटर, देन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, और ये पूछता है कि सोर्स ऑब्जेक्ट को हमें इरेज करना है कि नहीं। मैंने कहा मुझे सोर्स ऑब्जेक्ट को इरेज नहीं करना, मुझे रखना है, ये है सोर्स ऑब्जेक्ट मेरा, ठीक है, मैंने कहा रखना है तो नो कर देंगे मुझे। ओके देन अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे भी एक टेंजेंशियल सर्कल है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम आर्क ड्रॉ करेंगे सेम टेंजेंसली, तो उसके लिए सबसे पहले हम सर्कल बना लेंगे, सी एंटर, टी आर एंटर, फर्स्ट टेंजेंट, सेकेंड टेंजेंट एंड 10, सॉरी 1 8 18 एंटर, ये बन गया। नेक्स्ट इसको इसको भी हम ट्रिम कर लेंगे, टी आर एंटर एंटर, यहाँ से ट्रिम कर लिया, यहाँ से ट्रिम कर लिया और फिर हमने बाकी जो बचा था उसको भी हमने यहाँ से ट्रिम कर लिया, जो बचा है उसको सिंपल सेलेक्ट करके डिलीट पे क्लिक कर देंगे, आपका ये डिलीट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट हम ये पैरेलल लाइंस बनाएंगे, पैरेलल लाइंस का आप डायमेंशन देखिए, यहाँ पे हमें 8 दिया हुआ है, तो 8 के लिए हम सिंपल यहाँ पे जाएंगे इधर पे, इसको ऑफसेट मारेंगे, 4 इधर 4 इधर, तो ओ एंटर 8 एंटर, सॉरी ओ एंटर 4 एंटर, सेलेक्ट लाइन एंड स्पेसिफाई योर डायरेक्शन, सेलेक्ट लाइन एंड स्पेसिफाई योर डायरेक्शन। ओके और बीच का हम थोड़ा लाइन चेंज कर लेंगे, इसे हम सेंटर लाइन कर ले रहे हैं, कुछ और लाइन करें तो यहाँ पे हम दूसरा लाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, और प्रॉपर्टीज़ के हेल्प से हम इसका थोड़ा गैपिंग वगैरह जो भी मेंटेन करना है हम इसमें आराम से कर सकते हैं। ओके अब यहाँ मैं लाइन ट्रिम करनी है, तो सिंपल टी आर एंटर एंटर, फर्स्ट ट्रिम, सेकंड ट्रिम, थर्ड ट्रिम, ये भी करना है ट्रिम, हमें ये भी करना है और ये भी करना है, ठीक है, देखिए बन गया ये। अब इसको हमें सारे जगह 6 इसके क्रिएट करने हैं, तो हम बार बार अलग अलग क्रिएट करेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग है, तो उसके लिए हमारे पास सिंपल एक कमांड है एरे कमांड, जिसमें हम इसे पोलर डायरेक्शन में हम इसे एरे कर सकते हैं, नंबर ऑफ टाइम कॉपी कर सकते हैं, तो कमांड है ए आर एंटर, स्पेसिफाई सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट, एंटर, देन पूछ रहा है कि किस पाथ में करना है, मैं रेक्टेंगुलर पाथ में करना है कि पाथ फॉर्मेट में करना है कि पोलर में करना है, मैंने कहा सर्कुलर में करना है, यानी सर्कुलर मतलब पोलर, तो पोलर के लिए PO आप एंटर कर लेंगे या पोलर यहाँ से जस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। अब वो सेंटर पॉइंट देंगे जिसके पॉइंट अलाउंग घुमाना है, तो इसका सेंटर पॉइंट पकड़ने के लिए सेम CEN एंटर,
एंड सेलेक्ट सेंटर एज। देखिए अब इसमें जितने भी मैंने कहा 7 टर्म चाहिए, 8 टर्म चाहिए, जितने भी टाइम चाहिए आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। हमें अभी सिर्फ 6 टाइम्स चाहिए, सिंपल है, हमने 6 कर दिया, ठीक है, एंड क्लोज एरर पे क्लिक कर दिया, देखिए 6 पे कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट हमें ये चीज़ें जो ऊपर बनाई है हमें नीचे भी चाहिए, तो सेम इसके लिए भी हम इसको क्या करेंगे, मिरर कर लेंगे, एम आई एंटर, और हम यहाँ से ऑब्जेक्ट अपना ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर, देन एंड फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट, रेस हो जाए नो, ठीक है। इस तरह से देखिए हमने डायग्राम बहुत इजी तरीके से क्रिएट कर लिया। इसका थोड़ा चेंज करने के लिए फॉर्मेट, हमें लाइन फॉर्मेट के लिए हम सिंपल यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हमें मिल जाएगा, ओके। तो इस तरह से अब इसमें हम डायमेंशनिंग करेंगे। डायमेंशनिंग सिंपल, आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आपको जो भी डायमेंशन चाहिए, चाहे लीनियर एरे, जो भी एंगुलर आर्क लाइन रेडियस जो भी चाहिए, हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सिंपल सबसे पहले यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके लिए शॉर्टकट कमांड भी हम आपको बताते चलेंगे जैसे जैसे हम कमांड पूरी करेंगे। तो सिंपल अभी हमें रेडियस बताना है, तो रेडियस सेलेक्ट कर लीजिए, तो सेलेक्ट करिए, और ये देखिए रेडियस शो होने लगा। फिर से कमांड को रिपीट करना है, तो एंटर प्रेस करिए या स्पेस बार प्रेस करिए, आपका कमांड रिपीट होने लगेगा, एंटर। एक मिस्टेक हो गई, ये हमने 18 का ही कर दिया, ये 17 का होना चाहिए। ऐसा कोई नहीं, हमें मेन चीज़ सीखनी है, कैसे कमांड हमें पूरी करनी है अपनी। चलिए सर्कल वाली सब चीज़ें हो गई, अब हम एंगुलर डायमेंशंस लेते हैं। तो एंगुलर के कमांड है DEN एंटर, या फिर हम यहाँ से डायरेक्टली एंगुलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन, तो ये आ गया हमारा 30 डिग्री। फिर रिपीट करना है, फिर से DEN एंटर, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन, ठीक है। अब हमें अलाइन डायमेंशन चाहिए, तो अलाइन डायमेंशन के लिए अलाइन डायमेंशन पर क्लिक करेंगे, तो कमांड है DAL एंटर, तो सिंपल सेलेक्ट करेंगे, हमें यहाँ से इस पॉइंट तक अलाइन डायमेंशन चाहिए। ये देखिए हमारा 60 है, सेम, कोई दिक्कत नहीं हमारा, और इसका हमारा लाइन डायमेंशन ये भी चाहिए, तो सिंपल लाइन पर क्लिक किया और फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, ये देखिए हमारा ये, तो हमारे सारे के सारे डायमेंशंस नियर अबाउट ओके है। इसको डायमेंशन को भी हम ठीक कर देते हैं, अभी 2 मिनट डिलीट करते हैं। सी एंटर, TTR एंटर, फर्स्ट टेंजेंट, सेकेंड टेंजेंट एंड 17 एंटर, इस तरह बन गया ये हमारा। TR एंटर एंटर सेलेक्ट कर दिया, यहाँ से ट्रिम कर दिया हमने, यहाँ से इसको डिलीट कर दिया, सेम इसको हमने यहाँ से इसको भी ट्रिम कर दिया, TR एंटर एंटर। ये हो गया, देखिए ये डायमेंशन इसको हम मेरा कर दे रहे हैं, सिंपल इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दे रहे हैं, और सिंपल इसको सेलेक्ट किया, एम आई एंटर, और फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट नो, इसको जॉइन करने के लिए सिंपल हम जॉइन कमांड का यूज़ करते हैं, जे एंटर सेलेक्ट बोथ ऑफ द एंटर, जॉइन कमांड यहाँ वर्क नहीं करी, तो हम यहाँ पर सिंपल फिलेट कमांड भी यूज़ कर सकते हैं, एफ एंटर और आर एंटर 0 एंटर, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन, रिपीट करना है, फिर एंटर, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन, इस तरह से डायमेंशन देखिए हमारी एग्जैक्ट आ गई 70 जो हमें चाहिए थी, ओके। तो इस तरह से हम कोई भी अपना ब्लॉक डायग्राम क्रिएट करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने काफ़ी चीज़ें इसमें सीखी होंगी। तो कोई भी नेक्स्ट अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। और हम इस सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं, ऐसे ही हम हर दिन कोशिश करेंगे कि सारी वीडियोस को अपलोड कर सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।